बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम। आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 24 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 25 है मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने सीता की तरफ देखा, उसके चेहरे के तासरात से लगता था जैसे वो यहाँ रहने को तैयार हो। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, हम चंद रोज यहाँ रह लेते हैं, लेकिन इसी दौरान आपको मेरा एक काम करना होगा, बल्कि आज ही। हाँ कहो, अब्दुल रऊफ ने सवालिया निगाह उसे मेरी तरफ देखा। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसे बैरू मार्केट में सुहेल नामी दुकानदार के बारे में बताने लगा। इत्मीनान रखो, मैं आज ही सुहेल से मिल लूंगा, और हाँ, मेरी वापसी शाम के बाद होगी, तुम लोग परेशान मत होना, अब्दुल रऊफ ने कहा और आवाज देकर अपनी बहन शरीफा को बुला लिया। देखो शरीफा, ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और पठानकोट से आए हैं, ये मियाँ बीवी हैं, इनके नाम सुलेमान और अजरा। मैं बीच में बोल पड़ा, हाँ ये सुलेमान और ये अजरा। अब्दुलरहमान ने बात जारी रखते हुए कहा, ये हम लोगों से मिलने आए हैं और चंद रोज यहाँ रहेंगे, तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं भाई साहब, मुझे क्या मसला होगा, मुझे तो मेहमानों की खिदमत करके खुशी होगी, और ऐसे मेहमान रोज रोज तो नहीं आते, शरीफा ने जवाब दिया। वो भी शायद समझ गई थी कि हम लोग कौन हो सकते हैं। ठीक है, मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा, अब्दुल रऊफ ने कहा और हमारी तरफ देखता हुआ बाहर चला गया। शरीफा किचन में चली गई। मैं और सीता कुछ देर तक एक दूसरे की तरफ देखते रहे और फिर आज उस वाक्य पर तबसरा करने लगे। ये वाकई हमारी खुशकिस्मती थी कि हमने गली में अब्दुल रऊफ को रोककर लाला स्वामी नारायण के मकान का पता पूछ लिया था, और हमें न सिर्फ सही सूरत हाल का पता चल गया था बल्कि हम बाल बाल बच गए थे। अब क्या इरादा है? मैंने सवालिया निगाहों से सीता की तरफ देखा। दो चार रोज तो यहीं रहना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ फैसला करेंगे, सीता ने जवाब दिया। एक तजवीज है मेरे ज़हन में, मैंने कहा। वो क्या? उसने पूछा। दो चार रोज यहाँ रहकर तुम जयपुर चली जाओ और मैं अपने महाद पर लौट जाता हूँ, मैंने कहा। शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उसने मुझे घूरा। क्या तुम समझते हो कि उन्होंने मेरी गिरफ्तारी के लिए जयपुर मेरे घर पर छापा नहीं मारा होगा? वो मुझे हर उस जगह तलाश करेंगे जहाँ मेरा कोई ताल्लुक हो सकता है। नहीं डियर, मैं तो अब तुम्हारे ही खोटने से बंध गई हूँ, कहीं और नहीं जा सकती, जहाँ भी जाऊंगी मारी जाऊंगी। अभी हम बातें कर रहे थे कि शरीफा की बेटी खालदा ने आकर बताया कि खालदा 13-14 साल की एक भोली भाली और हसीन लड़की थी। वो 7वीं क्लास में पढ़ती थी और अभी स्कूल से वापस आई थी। हम दूसरे कमरे में आ गए जहाँ दरी पर दस्तरखान बिछा हुआ था। खालदा और शरीफा भी हमारे साथ बैठ गई। शरीफा बेटी को बता रही थी कि मैं रिश्ते में उसका मामू लगता हूँ। खाने के बाद शरीफा ने हमें एक और कमरा दे दिया जहाँ 2-4 चारपाइयां बिछी हुई थी। सीता कुछ देर बाद खालदा के साथ दूसरे कमरे में चली गई और मैं चारपाई पर लेट गया, और कुछ ही देर बाद मैं गनूदगी की आगोश में पहुंच चुका। और फिर उस शाम अब्दुल रऊफ से मिलने वाली खबरें बड़ी तशवीशनाक थी। पुलिस और फौज की इंटेलिजेंस ने किसी तरह पता लगा लिया था कि मुजाहिदीन का सबसे खतरनाक लीडर शमरोद यानी मैं डोडा के करीब हिंदुओं की एक और छोटी सी बस्ती में तबाही मचाकर फरार होने के बाद रामनगर के करीब एक फार्म हाउस में पनाह लिए हुए था। उसके साथ ही सीता नाम की वो हिंदू लड़की भी थी जो 2 फौजियों के कत्ल में मुलव्वस थी। ये दोनों तकरीबन 1 हफ्ता उस फार्म हाउस में रहने के बाद जम्मू की तरफ फरार हो गए थे। फौज की एक पार्टी ने उस फार्म हाउस पर छापा मारा था और उस खानदान के सरबराह खुदा बख्श ने बताया था कि शमरोज जम्मू की नेहरू मार्केट में सुहेल नामी एक दुकानदार से रब्ता करेगा। सुहेल मुजाहिदीन की एक तंजीम का सरगर्म एजेंट है और मुजाहिदीन के दरमियान रब्ते का काम करता है। फौज की एक पार्टी ने आज शाम से जरा पहले सुहेल को गिरफ्तार कर लिया और उसे शमरोज के बारे में पूछ गछ की जा रही है। सुहेल की गिरफ्तारी के साथ शहर की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया था और शमरोज की गिरफ्तारी के लिए मुश्तबा मुकामात पर छापे मारे जा रहे थे, और ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है जो मुजाहिदीन से ताउन और उनकी इमदादी सरगर्मियों में मुलव्वस समझे जाते हैं। उसके साथ ही सीता की तलाश में भी सरगर्मियाँ बढ़ा दी गई है। जम्मू में आबाद उसके 2-4 दूर के रिश्तेदारों के घरों के अलावा उसे मंदिरों में भी तलाश किया जा रहा है, क्योंकि शुबा है कि वो किसी मंदिर में भी पनाह ले सकती है। दूसरी तरफ इससे ज्यादा खौफनाक खबर ये थी कि कश्मीर में फौज ने एक बार फिर सोपोर पर हल्ला बोल दिया था और कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने के बाद शहर के कई घरों को जलाकर राख कर दिया था। श्रीनगर के बाद सोपोर कश्मीर का दूसरा बड़ा शहर समझा जाता था। ये कश्मीर में इस्लाम पसंदों का मजबूत गढ़ था। आजादी की तकरीबन तमाम तहरीकों की वाबस्तगी भी उसी शहर से थी। दूसरे लफ्जों में उसे कश्मीर का इस्लामी किला कहा जाता था, और दरिंदा सिर्फ भारतीय फौजियों ने होया उस शहर को नेस्तो नाबूद करने का फैसला कर लिया था। आए दिन मुख्तलिफ हीलों बहानों से उस शहर पर हमले और कत्लो गारत यही साबित करते थे
लेकिन यहाँ के लोग भी बड़े अजीब थे। उन पर गोलियां बरसाई जाती थी, उनके खून से होली खेली जाती थी, उनके घरों को जलाकर राख कर दिया जाता था, मगर ये लोग हर मर्तबा एक नए हौसले और जज्बे के तहत उन बादल कुवतों के सामने सीना सुपर हो जाते थे जो उन्हें मिटाने के दर पे थे। सोपुर ताजा तरीन हमला आज सुबह सवेरे हुआ था। उस हमले का बहाना यही था कि चंद खतरनाक छापामार मुजाहिदीन यहाँ पना लिए हुए हैं और लोगों ने घरों में असलाह और बारूद के अंबार लगा रखे हैं। सोपुर पर यह हमला सुबह सवेरे उस वक्त हुआ था जब मसाजिद में फजर की नमाज पढ़ाई जा रही थी। फौजी दिन दनाते हुए शहर की बड़ी जामे मस्जिद में घुस गए थे और नमाजियों पर फायर खोल दिया था। सिर्फ उस एक मस्जिद में 12 नमाजी शहीद हुए थे। दूसरी मस्जिदों और शहर के कई इलाकों में खून खराबा हुआ था। इस मरतबा सोपुर के शहरियों ने भी मुकाबला किया था और 2 दर्जन से जायद हिंदू फौजियों को जहन्नुम रसीद कर दिया था, जिनमें एक कर्नल भी शामिल था। अब्दुल रऊफ से मिलने वाली इतला के मुताबिक फौज की भारी नफरी ने सोपुर को घेरे में ले रखा था और सोपुर का पूरी वादी से रब्ता कटा हुआ था। सोपुर पर उस वशियाना कार्रवाई की खबर पूरे कश्मीर और जम्मू में फैल गई थी। हर जगह हंगामे शुरू हो गए थे और अगले दिन के लिए हड़ताल की कॉल दे दी गई थी। शाम होते ही जम्मू में हंगामे शुरू हो गए। ये इलाका गुंजान आबादी और तंग गलियों पर मुश्तमिल था, इसलिए यहाँ ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई थी। लोग घरों में बंद होकर बैठ गए थे। अलबत्ता शहर की बड़ी सड़कों और शाहराहों पर शहर के नौजवानों और पुलिस में पथराव, लाठी चार्ज और आंख मचोली हो रही थी। मेरी हालत उस शेर की सी थी जिसे पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। सोपुर फौज के हमले और वहाँ होने वाली तबाही की खबर ने मुझे लरदा कर रख दिया था। मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता था। यहाँ जिससे रब्ते की तवक्को थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने अब्दुल रऊफ से किसी और मुझे तंदीम या किसी ठिकाने के बारे में कुछ पूछने की कोशिश की थी, मगर वो इस सिलसिले में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। मुजाहिदीन की मुख्तलिफ तंदीमों की सरगर्मियों के बारे में सुनता तो रहता था, मगर वो किसी के ठिकाने से वाकिफ नहीं था। एक आदमी जिसके जरिए मुजाहिदीन की एक तंदीम से राबता किया जा सकता है, अब्दुल रऊफ ने कहा। कौन है वो, कहाँ है, मैंने जल्दी से पूछा। वो अमर महल के एक इलाके में रिहायश पजीर है, अब्दुल रऊफ ने जवाब दिया। अमर महल शहर के दूसरी तरफ दरियाए कोस के करीब है और इस वक्त वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं। कल सुबह कोशिश की जा सकती है। कल सुबह तक तो पता नहीं क्या हो जाए, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे अमर महल का रास्ता समझा दो, मैं अकेला ही चला जाऊँगा, मैंने कहा। तुम अकेले वहाँ नहीं पहुँच सकते, अब्दुल रऊफ ने जवाब दिया। शहर में हंगामे हो रहे हैं, कल दिन में तुम्हें वहाँ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं गहरा सांस लेकर रह गया। अब्दुल रऊफ 9 बजे के करीब आया, उसने खाना हमारे साथ खाया था और 11 बजे के करीब वो अपने घर चला गया। मैं और सीता देर तक बैठे उस सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते रहे। शहर में हंगामे जारी थे, फायरिंग की आवाजों के साथ कभी कभी जोरदार धमाके भी सुनाई दे जाते थे। एक दो मरतबा गली में कुछ लोगों के दौड़ने की आवाजें भी सुनाई दी थी। आधी रात के बाद फायरिंग और धमाकों की आवाजें बददरीज कम होती चली गई और फिर पूरा शहर शहर खामोशां की तस्वीर बन गया। हर तरफ मुकम्मल खामोशी और गहरा सन्नाटा था, किसी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लगता था जैसे उस शहर से जिंदगी का नामो निशान तक मिट गया हो। सीता के चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस सूरत हाल से वो खासी परेशान और खौफजदा थी। शायद वो अपनों के खिलाफ मेरा साथ देकर पछता रही हो। मैंने यही सवाल पूछा तो वो होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, मैं बिल्कुल नहीं पछता रही, तुम मुझे मिल गए, मुझे किसी और बात की अब परवाह ही नहीं। मैं उसे घूर कर रह गया। उस वक्त रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। कमरे का दरवाजा बंद था। सीता दूसरी चारपाई पर करवट के बाल लेटी हुई थी। वो उठकर मेरी चारपाई पर आ गई और अपनी बाहों के इशार में लेते हुए बोली, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। एक बात तो बताओ, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम इसलिए मुझे वहां से निकाल कर लाई हो कि कोई मुझे तुमसे छीन ना ले? और क्या ये गलत है कि तुम मुझे यहाँ से भी निकाल कर कहीं दूर ले जाना चाहती हो, किसी ऐसी जगह जहाँ कोई? ये दुरुस्त है, उसने मेरी बात काट दी। मैंने जब तुम्हें बेहोशी और जख्मी हालत में पहाड़ों में पड़े देखा था तो न जाने मेरे दिल में ये एहसास क्यों जाग उठा था कि तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। मेरी जवानी के सपनों की ताबीर मैं तुम्हें उठाकर गार में ले गई। तुम्हारी टांग पर जख्म देखते हुए मुझे ये भी पता चल गया कि तुम मुसलमान मुजाहिद हो, लेकिन प्रेम दीन धर्म और जात पात को कब देखता है? मैं जानती थी कि पुलिस या फौज तुम्हारी तलाश में होगी, लेकिन मैंने तुम्हारी हिफाजत और मदद करने का फैसला कर लिया और उसी वक्त ये भी फैसला कर लिया कि तुम अच्छी हो जाओगे तो तुम्हें कहीं बहुत दूर ले जाऊंगी। और फिर इत्तेफाक से उन 2 हिंदू फौजियों ने मुझे घेर लिया। तुमने जिस तरह उनसे मेरी इज्जत और जान बचाई उससे मैं मुतासर हुए बगैर ना रह सकी थी। मैं ये जान चुकी थी कि तुम वो खतरनाक मुजाहिद लीडर हो जो भारतीय फौज को सबसे ज्यादा मतलूब हो। किसी मुसलमान मुजाहिद को पनाह देना संगीन जुर्म है और तुम कोई आम मुजाहिद नहीं,
तुम तो वो थे जिसने भारतीय फौज को सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें पनाह देने वाले को तो ऐसी सजा दी जाती जिससे दूसरे भी इबरत हासिल करते, लेकिन मैं अपने मन के हाथों मजबूर थी और तुम्हें हर कीमत पर बचाने और वहाँ से निकालने का तहिया कर लिया था। और फिर हालात इस तेजी से तब्दील हुए कि हमें वहाँ से भागना पड़ा। हाँ, मेरी नीयत यही थी कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर इन नंगामों से बहुत दूर ले जाऊँ, लेकिन क्या, मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। मेरे मामा की बस्ती में जो कुछ हुआ उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। सीता बोली, उन दरिंदों ने चाचा कुर्बान अली को घोड़ियों से छीलनी कर दिया। नीलम जैसी बेगुनाह और मासूम लड़की को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया और किसी गैरतमंद ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसे भी मार दिया गया। अब अब्दुल रऊफ से मिलने वाली खबरों से पता चलता है कि उन्होंने नीलम को भी मार डाला। और फिर सोपुर में आज सुबह जो कुछ हुआ और अब यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके पेशे नजर मैंने अपना इरादा बदल दिया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी और ना ही तुम्हारे पैरों की बेड़ियां बनकर रहूंगी, बल्कि मैं भी कदम कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी अंगूरी की तरह। सीता की सच्चाई ने मुझे मुतासर किया। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे फैसले से मुझे खुशी हुई। बहरहाल अगला कदम हम सूरतयाल के तहत ही उठाएंगे। सीता के चेहरे पर तमानियत सी आ गई, वो मेरे बाजू पर सर रख कर लेट गई। कुछ ही देर बाद वो नींद की आगोश में पहुंच गई तो मैंने बड़ी आहिस्तगी से अपने आप को उससे अलग किया और दूसरी चारपाई पर लेट गया। हम सुबह 6 बजे अब्दुल रऊफ के साथ निकले थे। मैंने सीता को मना किया था कि वो यहीं रहकर मेरा इंतजार करे, मगर वो किसी तरह नहीं मानी और मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। उस वक्त सड़कों पर सन्नाटा था, इक्का दुक्का लोगों की पैदल आमदोरफ्त थी। मोटरसाइकिल या साइकिल पर कोई दूध वाला सड़क पर से गुजर जाता या कभी कोई गाड़ी भी नजर आ जाती। अलबत्ता सड़क के हर मोड़ पर पुलिस वाले बड़ी तादाद में नजर आ रहे थे। हर पुलिस पार्टी के साथ हिंदू फौजी भी थे। जगह जगह पुलिस और फौज की गाड़ियां भी नजर आ रही थी। कल आधी रात तक शहर में हंगामे जारी रहे थे और तवक्को थी कि कुछ देर बाद फिर हंगामे शुरू हो जाएंगे, जिनसे निमटने के लिए पुलिस और फौज ने पूरा बंदोबस्त कर रखा था। हमें रास्ते में 2-3 जगह रोका गया। अब्दुल रऊफ की दरवेशाना शख्सियत हर जगह हमारे काम आई। उसने मुझे अपना बेटा और सीता को अपनी बहू जाहिर किया और इस तरह हम पुलिस वालों की कड़ी पूछताछ से बचते रहे। दरियाए को उसके करीब अमर महल बहुत खूबसूरत इमारत थी। उसका डिजाइन एक राजा की फरमाइश पर एक फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ने तैयार किया था। ना वो राजा रहा था और ना ही आर्किटेक्ट, लेकिन ये महल अपनी जगह पर मौजूद था और बिलाशुबा उसे जम्मू की खूबसूरत तरीन इमारत होने का एजाज हासिल था। आजकल यहाँ म्यूजियम कायम है जिसमें लाइब्रेरी के अलावा आर्ट के बेहतरीन शाहकार जमा है। इस तरफ रिहायशी बंगले ही थे। अब्दुल रऊफ एक बंगले में ले गया जहाँ हमारी मुलाकात परवेज नामी एक ऐसे शख्स से हुई जो अनाज का बेवपारी था। मेरा और सीता का तारुफ होने पर वो चौंक गया। हमने नाश्ता वहीं किया। उसके 1 घंटे बाद अब्दुल रऊफ वापस चला गया। उस रोज शहर में हंगामे तो हुए थे मगर ज्यादा जोर नहीं पकड़ सके थे। शाम का अंधेरा फैलने के 1 घंटे बाद परवेज हमें लेकर बंगले से रवाना हो गया। हम मुख्तलिफ रास्तों पर होते हुए दरिया की तरफ निकल गए। चट्टानों में एक जगह दरिया के किनारे 2 आदमी डोंगे कश्ती पर हमारे मुंतजिर थे। उस मामूली सी कश्ती पर तेज रफ्तार दरिया पार करना खतरे से खाली ना था, मगर वो दोनों आदमी माहिर मल्लाह थे। वो बड़ी महारत से रात की तारीकी में डोंगे को तेज लहरों पर खींचते हुए दूसरे किनारे पर ले गए। तभी के दूसरे किनारे पर बाहू किला का हेवला हमारे सामने था। संगलाख चट्टानों को काट कर बनाया गया यह किला जम्मू की कदीम तरीन यादगार समझा जाता था। परवेज हमें किले के दूसरी तरफ एक और खंडर नुमा इमारत में ले गया। यहाँ हमारी मुलाकात एक मुकामी मुदहमी तहरीक के लीडर अब्दुल रहमान से हुई। परवेज हमें वहाँ छोड़कर वापस चला गया। अब्दुल रहमान मेरा नाम सुनकर ही मुतासर हो गया था। अलबत्ता वो सीता के नाम पर कुछ बेचैन सा हो गया था। इसकी तुम फिक्र मत करो, ये भारतीय फौजियों के लिए दूसरी अंगूरी साबित होगी। मैंने रहमान को सीता के बारे में सब कुछ बताकर मुतमईन कर दिया। अब्दुल रहमान के साथ उस खंडर में 4 लड़के और थे और वो किसी खास छापामार कार्रवाई का मंसूबा बना रहे थे और कल सुबह अपने कुछ और साथियों का भी इंतजार था। मुझे अपने दरमियान पाकर अब्दुल रहमान और उसके साथी बहुत खुश हो रहे थे। अब्दुल रहमान ने वो मंसूबा मेरे सामने रख दिया, मैं चौंके बगैर ना रह सका। मंसूबा अगरचे बेहद खौफनाक था मगर उस पर अमल करके भारतीय फौज पर एक कारी जरब लगाई जा सकती थी। अब उस पार्टी की क्यादत तुम करोगे कमांडर शमरोज, अब्दुल रहमान ने कहा और फिर तफसील से उस जगह के बारे में बताने लगा जहाँ ये कार्रवाई की जाने वाली थी। सुबह 10 बजे तक अब्दुल रहमान के दूसरे साथी भी पहुँच गए। इस तरह हमारी कुल तादाद 14 हो गई। 1 घंटे बाद हम लोग खंडरों से निकल कर दरियाए कोस के मुतवादी पहाड़ों की तरफ चल पड़े। सीता मेरे साथ साथ चल रही थी और हम दबे लफ्जों में उस मंसूबे के बारे में तबादला ख्याल करते जा रहे थे।
अब्दुलरहमान का मंसूबा वाकई ही बड़ा खौफनाक था। जम्मू शहर से कई मील दूर पहाड़ियों में गिरी हुई झील मानसिर उस खित्ते के लोगों के लिए कुदरत का हुसीन तोहफा थी। उस झील के इतराफ की पहाड़ियों में 3-4 कदीम मंदिर थे जिनकी यात्रा के लिए हिंदू दूर दूर से आते थे। झील के जनूबी साहिल पर एक खूबसूरत टूरिस्ट बंगला था। अब्दुलरहमान के कहने के मुताबिक भारतीय फौज के कुछ आला अफसरान आज रात उस टूरिस्ट बंगले में जश्न मनाने वाले थे। ये जश्न हर महीने की पहली इतवार की शब मनाया जाता था जिसमें राग रंग और अय्याशी का हर सामान मौजूद होता था। अब्दुलरहमान ने बहुत सोच समझ कर उस मंसूबे की प्लानिंग दी थी और उसकी क्यादत मेरे सुपुर्द कर दी थी और रहमान की इतला के मुताबिक आज रात तो जम्मू का कोर कमांडर भी उस महफिल में शरीक होने वाला था। और मैं सोच रहा था कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो कम अज कम इस खित्ते में भारतीय फौज की कमर टूट जाएगी और कुछ अरसा तक उनकी सरगर्मियां महदूद हो जाएंगी। हम दिन भर तपते हुए बंजर पहाड़ों में सफर करते रहे। दोपहर को एक छोटी सी नदी के पार रुक गए। ये वह नदी थी जो हमारे रास्ते में आई थी। कांटेदार सूखी हुई झाड़ियां और कैक्टस के पौधे बकसरत थे और किसी किस्म का सब्जा उन पहाड़ियों पर नहीं था। सुबह खंडरों में आने वाले अब्दुलरहमान के साथ ही कुछ खाने पीने की अशिया साथ ले आए थे जिनमें बुने हुए काबली चने भी थे। नदी के किनारे पर बैठे तो अब्दुलरहमान ने वो सब चीजें तमाम साथियों में बांट दी ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते रहें। तकरीबन एक घंटा वहाँ आराम करने के बाद हम आगे रवाना हो गए और सूरज गुरूब होने से पहले झील मानसिर के जनूब में वाके पहाड़ी पर पहुंच गए। आगे जाना खतरनाक था। अब्दुलरहमान मुझे एक तरफ ले गया और एक चट्टान के पास झाड़ियों में लेटकर मुझे एक बार फिर ब्रीफ करने लगा। बहुत खूबसूरत मंदिर था। कश्मीर से निकलने के बाद मैंने पहली मरतबा ऐसी हसीन जगह देखी थी। वसी और इस झील का नीलगो पानी रुखसत होती हुई धूप में पिघले हुए सोने की तरह चमक रहा था। झील की तरफ में गहरा सब्जा था, छायादार और फलदार दरख्तों की भरमार थी। सियाहों के लिए लातादाद प्राइवेट हट बने हुए थे। गालबन एक तरफ 3-4 ओपन एयर रेस्टोरेंट और इशियाए खुर्दोनुश के स्टॉल भी लगे हुए थे। उस तरफ कुछ कारें और दूसरी गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। उसे मुकद्दस झील समझा जाता था। उसके किनारों पर लोगों के लिए लातादाद छप्पर भी बने हुए थे जो लोगों के स्नान के लिए मखसूस थे। झील में कुछ शिकारे और डोंगे भी तैर रहे थे। झील के किनारे पर बहुत से लोग भी दिखाई दे रहे थे और मैं जानता था कि शाम का अंधेरा फैलने से पहले बहुत से लोग वापस चले जाएंगे और सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिन्होंने यहाँ हट्स किराए पर ले रखे थे। झील के जनूबी किनारे पर वो रेस्ट हाउस था जो आज की शब के लिए फौजी अफसरों के लिए मखसूस था। रेस्ट हाउस की इमारत खासी बड़ी थी और उसके सामने इतराफ में बहुत लंबे खूबसूरत लान थे जिन्हें दूर दूर तक कनातों से घेर रखा गया था। रेस्ट हाउस के दूसरी तरफ दो बड़े ट्रक और दो जीपें खड़ी थी और कई फौजी वहाँ काम करते हुए नजर आ रहे थे। तमाम लाइन में बेदे और कुर्सियाँ बिछाई जा रही थी। मैं गहरी नजरों से रेस्ट हाउस के इतराफ का जायजा ले रहा था। हमसे कुछ आगे पहाड़ी का एक हिस्सा फैली हुई टांग की तरह आगे को निकला हुआ था। क्या ख्याल है कमांडर? अब्दुलरहमान ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। वो आगे को निकली हुई पहाड़ी और ये जगह मैंने अपने आगे जमीन पर हाथ मारा। ये दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ से रेस्ट हाउस और उसके लांज को टारगेट बनाया जा सकता है और अगर हमला भरपूर हो तो वहाँ पर मौजूद बहुत कम लोगों के जिंदा बचने की उम्मीद की जा सकती है। मैंने रेस्ट हाउस की तरफ इशारा किया। हमारे पास मशीन गनों के अलावा 2 रॉकेट लॉन्चर और 2 मार्टर गन भी हैं। अब्दुलरहमान ने जवाब दिया। अगर वाकई हमला भरपूर हो तो उनमें से कोई नहीं बचेगा। हम देर तक प्लानिंग करते रहे और मिलाकर ये तय पाया कि रेस्ट हाउस पर हमला रात 12 बजे के करीब किया जाए जब महफिल उरूज पर हो। मैंने कहा और अब्दुलरहमान ने ताइद में गर्दन हिला दी। सूरज गुरूब होने के 2 घंटों बाद तमाम मुजाहिदीन को पहाड़ियों पर फैला दिया गया। मैं, सीता और अब्दुलरहमान इकट्ठे ही थे। हम पत्थरों से टेक लगाए बैठे वक्त का इंतजार करते रहे। जंगल में मंगल का सा समा था। झील के परली तरफ प्राइवेट हट्स में कैरोसिन ऑयल लैंपों और लालटेनों की मदम रोशनियां दिखाई दे रही थी। झील की पुरसुकून सतह पर 2-3 शिकारे तैर रहे थे, उन पर भी लालटेनों या कैरोसिन लैंपों की मदम रोशनियां नजर आ रही थी। मगर सबसे दिल फरेब मंदिर तो रेस्ट हाउस का था जहाँ रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थी। रेस्ट हाउस में रोशनी के लिए गालबन जनरेटर का इंतजाम किया गया था। रेस्ट हाउस के लान किसी नाइट क्लब का मंदिर पेश कर रहे थे। हिजान खेज मौसीकी की आवाज फिजा में फैल रही थी। तकरीबन 20 मेजें थी और हर मेज पर 2-2, 4-4 मेहमान मौजूद थे। उनमें मर्द भी थे और औरतें भी। तमाम मर्द भारतीय सेना के आला फौजी ऑफिसर थे जो सादा लिबास में थे। ये सब हिंदू सूरमा थे जो कश्मीर फतह करने निकले हुए थे। उन दरिंदा सिर्फ भारतीय फौजियों ने जम्मू और कश्मीर को शिकार का बना रखा था। ये दिन में मजलूम और बेगुनाह कश्मीरी मुसलमानों का शिकार करते और रातों को इस तरह रंग रलियां मनाते थे।
उनके साथ जो औरतें थी वो जवान थी और हसीन। ये भी फाहिशा औरतें थी जिन्हें उन सुरमाओं का दिल बहलाने के लिए यहाँ लाया गया था। उनके लिबास ऐसे थे कि उनके बदन उनके लिबासों की कैद से पूरी तरह आजाद होने के लिए मचल रहे थे। हर मेज पर चिकन और हरन के भुने हुए गोश्त के साथ इनवाओ इकसाम के खाने चुने हुए थे। उस इलाके में हरन बकसरत पाए जाते थे और उन फौजी अफसरों के लिए हरन खास तौर पर शिकार करके लाए गए थे। शराब की बोतलें भी हर मेज पर मौजूद थी और शराब पानी की तरह बहाई जा रही थी। बावर्दी फौजी वेटर और अर्दली वगैरह भाग भाग कर अपने अफसरों के अहकामात बजा ला रहे थे। खाने की खाली प्लेटें उठाई गई, मेजों पर सिर्फ शराब की बोतलें ही रह गई थी, बल्कि हर मेज पर कुछ और बोतलें शुरू कर दी गई। मौसीकी की धुन बदल गई। एक फौजी अफिसर एक लड़की को बाजू से पकड़ कर खड़ा हो गया। वो फौजी अफिसर लड़की के साथ नाचते हुए इस तरह लड़खड़ा रहा था जैसे शराब चढ़ गई हो। लड़की ने मेज पर से शराब का गिलास उठाकर उसके ऊंटों से लगा दिया। उस अफिसर ने शराब के एक गिलास भरा और गिलास लड़की के हाथ से ले लिया और फिर दूसरे ही लम्हे उसने शराब लड़की के गिरेबान के बलौज में अंडेल दी। दूसरों ने एक जोरदार कहका लगाया, वो लड़की भी कहके में शामिल हो गई। अफिसर ने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और ब्लाउज एक झटके से नीचे खींच दिया। लड़की का भालाई हिस्सा बरहना हो गया और वो पहले से भी ज्यादा जोर से कहके लगाने लगी। अब्दुल रहमान मुझसे तकरीबन 10 गज के फासले पर बाईं तरफ था और सीता मेरे साथ बैठी हुई थी। बेहयाई का ये मंजर उसने भी देखा था। इंतहा होगी बेगैरती की, वो बुड़बुड़ाई। ये तुम्हारे ही सुरमा है, मैंने कहा। इन्होंने कश्मीर को शिकारगाह बना रखा है। ये इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं और जब कोई फौज इखलाक और इंसानियत से इस तरह गिर जाए तो वो बहादुरी का कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकती। कश्मीर में जगह जगह इनकी पिटाई हो रही है और ये सब कुछ देखकर मैं दावे से कह सकता हूँ कि अब ये लोग ज्यादा अर्सा तक कश्मीर में नहीं टिक सकेंगे। इन्हें बहुत जल्द अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा। ये मेरे लोग नहीं है, सीता बोली, बल्कि अब मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरा दिल चाहता है कि उन वैश्यों पर पहली गोली मैं चलाऊं। पहली गोली तुम ही चलाओगी, इत्मीनान रखो, मैंने कहा और एक बार फिर सामने देखने लगा। मंदिर कुछ और खुल गया था। हिजान खेत मौसीकी में मुख्तलिफ जगहों पर 5-6 औरतें नीमरियां लिबास में रक्स के नाम पर मुख्तलिफ दावियों से जिस्मों की नुमाइश कर रही थी। अफिसर भी उठ उठ कर उनके साथ भूडी हरकतें कर रहे थे। फिर दूसरे मर्द और औरतें भी अपनी जगहों से उठती गईं। रक्स करने वाली औरतों ने अपने जिस्मों के ऊपर के लिबास उतार दिए थे। उनके थिलथिलाते हुए बदन, उनके हरकत करते हुए बर्दन मर्दों में मजीद हिजान पैदा कर रहे थे। अपने करीब हल्की सी आहट सुनकर मैंने तेजी से गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। वो अब्दुल रहमान था। कमांडर, उसने सरगोशी की, ये बेहयाई की महफिल उरूज पर है। हाँ, तुम अपनी जगह पर चलो, मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया। मेरी तरफ से पहले फायर की आवाज के साथ ही भरपूर हमला शुरू कर देना। अब्दुल रहमान सीने के बल रेंगता हुआ दोबारा अपनी जगह पर चला गया। मैंने एक बार फिर रेस्ट हाउस की तरफ देखा। कनातों के बाहर थोड़े थोड़े फासले पर कुछ बावर्दी फौजी टहल रहे थे। वो यकीनन गार्ड ड्यूटी पर थे। रेस्ट हाउस के परली तरफ कारें थी और जीपें भी खड़ी हुई थी। 3 हैवी ट्रक भी थे। रेस्ट हाउस के बरामदे और लान में बेहयाई और बेगैरती का मुजाहरा उरूज पर पहुंच चुका था और मेरे ख्याल में रंग रलियां मनाने वाले उन आला हिंदू फौजी अफसरों और औरतों की तादाद 60 और 70 के दरमियान रही होगी। और मैं 3 सिख अफिसर भी थे। उनके सरों पर बंधी हुई पगड़ियां उनकी कौमियत की निशानदेही कर रही थी। पहले कभी राइफल चलाई है ना, मैंने सीता की तरफ देखते हुए सरगोशी की। हाँ, मेरे मामा के पास भी ऐसी ही सब मशीन गन थी, सीता ने अपनी राइफल पर हाथ मारते हुए सरगोशी में जवाब दिया। उसने मुझे ये राइफल चलाना सिखाई थी। पहली मर्तबा फायर किया था तो कंधे पर बड़े जोर का झटका लगा था। तो फिर राइफल को मजबूती से थामो और चला दो पहली गोली, मैंने कहा। हम दोनों सीने के बल लेटे पोजीशन लिए हुए थे। मैंने सीता की तरफ देखा, राइफल पर उसके हाथ कांप रहे थे। राइफल को मजबूती से पकड़ो और ट्राइगर दबा दो, मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। सीता के जिस्म में मामूली सी हरकत पैदा हुई और फिर फिदा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। सीता ने ट्राइगर तो दबा दिया था मगर राइफल का रुख भी जरा सा ऊपर को उठ गया था और गोलियां रेस्ट हाउस का रुख करने की बजाय आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारों को निशाना बनाने के लिए बुलंदियों की तरफ चली गई थी। फायरिंग की आवाज गूंजते ही रेस्ट हाउस के लान में बगदड़ सी मच गई और ठीक उसी वक्त दोनों पहाड़ियों पर फैले हुए मुजाहिदीन ने भी फायर खोल दिया। उनके हथियार अंगारे उगलने लगे। अब्दुल रहमान भी सब मशीन गन से रेस्ट हाउस की तरफ गोलियां बरसा रहा था। सीता की राइफल झटका लगने से उसके हाथ से छूट गई थी। मैंने लपक कर राइफल उसके हाथ में थमा दी। शाबाश, मैंने उसका कंधा थपथपाया। अब तुम्हें कोई खौफ नहीं आना चाहिए, दबा दो ट्राइगर। सीता का खौफ वाकई दूर हो गया था और वो बड़ी नपीतली फायरिंग कर रही थी। मैंने भी अपनी सब मशीन गन संभाल कर फायर खोल दिया।
रेस्ट हाउस के लान में अजीब तमाशा नजर आ रहा था। कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए रेस्ट हाउस की इमारत की तरफ भाग रहे थे और कुछ बदहवासी में इधर उधर दौड़ रहे थे। उनके टकराने से दोनों तरफ की कनातें गिर गई थी और कई लोग कनातों की रस्सियों से उलझकर गिरे थे। वसी लान में कई लाशें गिरी थी, उनमें मर्द भी थे और बरहना औरतें भी। मेजे और कुर्सियां उलट गई, बोतलों की शराब घास की आबियारी कर रही थी। एक जख्मी औरत ने उठकर भागना चाहा, मगर किसी तरफ से आने वाली गोली ने उसकी खोपड़ी के पर खचे उड़ा दिए और वो ढेर हो गई। रेस्ट हाउस की तरफ से मुहाफिज फौजियों ने भी पहाड़ियों की तरफ फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन हमारी तरफ से फायरिंग ज्यादा शदीद थी। सब मशीन गन्नों के अलावा हमारे आदमी अब मार्टर गन्ने भी इस्तेमाल कर रहे थे। गोले इधर उधर गिर कर फट रहे थे। एक गोला रेस्ट हाउस की छत पर गिरा, जिससे छत का वो हिस्सा उड़ गया। अब्दुल रहमान से परली तरफ बैठे हुए मुजाहिद ने राकेट दाग दिया। राकेट रेस्ट हाउस की इमारत से टकराकर फटा और दीवार में सुराख करता हुआ अंदर चला गया। एक और राकेट फटा और उसके साथ ही तारीकी छा गई। गालबन बिजली का जनरेटर भी जद में आ गया था। अंधेरा होने से पहले मैंने औरतों और मर्दों की कई लाशें गिरती देखी थी। हमारी तरफ से फायरिंग अंधेरा होने के बाद भी कई मिनट तक जारी रही। फायरिंग के शोर में चीखों की आवाजें भी वाजे तौर पर सुनाई दे रही थी। और फिर अंधेरे में चलाया गया मार्टर का एक गोला किसी ट्रक पर गिरा। ट्रक के पर खचे उड़ गए और शोलों ने करीब खड़ी हुई दो जीपों को भी लपेट में ले लिया। अब्दुल रहमान सीने के बल तेजी से रेंगता हुआ मेरे करीब आ गया। फायरिंग जारी रखे कमांडर, उसने पूछा। अब कोई फायदा नहीं, अपने आदमी को वापसी का हुक्म दे दो, मैंने कहा। अब्दुल रहमान ने पतलून की जेब से एक पिस्तौल निकाला और उसका रूख ऊपर करके ट्राइगर दबा दिया। रोशनी की लकीर आसमान की तरफ उठती चली गई और फिर तारीकी में सुर्ख रोशनी का एक छोटा सा गोला नमूदार हुआ, जो फूल जड़ी की तरह बिखर गया। ये अपने साथियों को वापसी का इशारा था। हमारे आसपास मौजूद मुजाहिद अपना अपना असला संभाले पहाड़ियों की अंदर की तरफ भाग खड़े हुए। तुम दोनों मेरे साथ आओ कमांडर, अब्दुल रहमान चीखा। मैंने सीता का हाथ पकड़ दिया और हम दोनों अब्दुल रहमान के पीछे दौड़ने लगे। हमें ताकुब का खतरा नहीं था। रंगरलियां मनाने वाले फौजी अफसरों के उस टोले की हिफाजत के लिए चंद फौजी थे, जिनके पास सिर्फ सब मशीन गन्ने थी। उन्होंने अगरचे जवाबी फायरिंग की थी, लेकिन वो लोग भी हमारी फायरिंग की जद पर थे। उनमें से अगर कोई बच भी गए होंगे तो रात की तारीकी में इन पहाड़ियों में हमारे पीछे आने की जुर्रत नहीं करेंगे। लेकिन हम जल्द अज जल्द उस इलाके से दूर निकल जाना चाहते थे। हम दो घंटों तक मुसलसल दौड़ते और तेज रफ्तारी से चलते रहे। गैर हमवार रास्तों पर कई मरतबा हमें ठोकरें लगी थी। सीता तो दो मरतबा गिर भी चुकी थी। मैंने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ दिया। वो बुरी तरह थक गई थी और बार बार लड़खड़ा रही थी। बिलाकर हमें एक जगह रुक गए। सीता आगे को झुक कर बैठ गई। उसका सांस दूकनी की तरह चल रहा था और मुंह से कफ बह रहा था। मेरी और अब्दुल रहमान की हालत भी उससे मुख्तलिफ ना थी। तकरीबन 15-20 मिनट बाद हम अपनी कैफियत पर काबू पा सके थे। मैंने इधर उधर देखा, हम उस वक्त नशेबी इलाके में थे। हमारे इर्द गिर्द लैक्टस के पौधे फैले हुए थे और दूर दूर तक पहाड़ियां थी। हम तीनों ही थे, ग्रुप का कोई और लड़का हमारे साथ नहीं आया था। वो लोग मुख्तलिफ सिमतों में निकल गए थे। मैंने सीता की तरफ देखा, उसने दोनों टांगे आगे को पिसार ली थी और कदरे पीछे झुककर दोनों हथेलियां जमीन पर टिका रखी थी। मुझे प्यास लग रही है, वो सीधी होकर बैठ गई और इधर उधर देखते हुए बोली, लेकिन लगता है यहाँ कहीं पानी नहीं मिलेगा। अब्दुल रहमान भी सीधा होकर बैठ गया और कंधे पर लटकी हुई पानी की बोतल उतार कर सीता की तरफ बढ़ा दी। हम जब बाऊ किला के करीबी खंडरों से मानसर झील की तरफ रवाना हुए थे तो 4-5 मुजाहिदीन के पास पानी की बोतलें देखी गई थी। और फिर मुझे ख्याल नहीं रहा था कि अब्दुल रहमान के पास भी ऐसी कोई बोतल मौजूद होगी। सीता ने एक दो घूंट भरने के बाद बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। बोतल का वजन बता रहा था कि उसमें पानी की मिकदार ज्यादा नहीं थी। मैंने भी सिर्फ दो घूंट भरने के बाद बोतल अब्दुल रहमान की तरफ बढ़ा दी। उसने भी एक दो घूंट भरे और रखना बंद करके बोतल दोबारा कंधे पर लटका ली। मैं तो समझा था कि तुम वहां से भाग निकलोगी या कहीं दुबक कर खौफ के मारे थर थर कांपने लगोगी, लेकिन तुम तो बहुत बहादुर साबित हुई, मैंने सीता की तरफ देखते हुए कहा। पहला झटका तो वाकई मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त था, सीता ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। जब हर तरफ से फायरिंग शुरू हुई तो एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि वहां से भाग निकलूं, लेकिन तुमने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मैंने राइफल पर हाथ जमा दिए। ऐसे मौके पर भागने की कोशिश का नतीजा खौफनाक मौत की सूरत में ही निकलता है, मैंने कहा। पुश पर गोली खाने से बेहतर है कि आदमी सीना सुपर होकर जान दे दे। ये मेरा पहला तजर्बा था, सीता ने जवाब दिया। आइंदा ऐसा कोई मौका आया तो सीना तान कर खड़ी हो जाऊंगी। माफ करना सीता जी, अब्दुल रहमान ने हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, तुम्हारे बारे में कुछ शुबहात में मैं मुबतला था, लेकिन अब मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने अपने भाई को माफ कर दिया, सीता इस मर्तबा खुलकर मुस्कुरा दी।
दरअसल मेरा नाम सुनकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मुझे हुर्रियत पसंदों से हमदर्दी है, जबकि हकीकत ये है कि अब मैं अपने आप को उन्हीं में से एक समझती हूँ और आप लोगों की तारीख में रहते हुए अपनी जान तक दे दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि उसके बदले में मुझे इस आजाद धरती पर दफन होने के लिए दो गज जगह तो मिल ही जाएगी। आपने हुर्रियत पसंदों का साथ देने का फैसला क्यों किया, अब्दुल रहमान ने पूछा। ये कहानी ज्यादा पेचीदा नहीं, सीता ने जवाब दिया और अपने मामा की बस्ती में पेश आने वाले वाकये के बारे में बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी, शमरूद के किरदार और उसकी बातों ने मुझे भी मुतासर किया और तब मुझे इतराग हुआ कि मैंने गलत धरती पर गलत घर में और गलत वक्त पर जन्म लिया था। मुझे तो सरजमीन कश्मीर के किसी मुसलमान घराने में जन्म लेना चाहिए था जहाँ वो संभालते ही मेरे हाथों में बंदूक होती और मैं अपने हजारों मुजाहिदीन भाइयों के साथ दुश्मन से बरसरे पेकार होती और लोग मुझे अंगूरी के नाम से जानते। अंगूरी, अब्दुल रहमान बोला, आप तो उस अजीम मुजाहिदा से मिली होंगी सीता जी। नहीं, मैं अंगूरी से नहीं मिली, लेकिन वो वाकई बहुत अजीम मुजाहिदा थी, सीता ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। सीता ने अंगूरी को नहीं देखा था लेकिन उसके बारे में सुन सुन कर वो उससे बेहद मुतासर हुई थी और दो तीन रोज से तो वो अक्सर उसी का जिक्र करती रहती थी। हमें वहाँ बैठे हुए तकरीबन एक घंटा गुजर गया और फिर हम उठकर आगे चल पड़े। अब्दुल रहमान का ख्याल था कि जम्मू में भारतीय फौज हाई कमान को उस वाकये की इतला मिल गई होगी और हो सकता है कि फौजी दस्ते हमारी तलाश में पहाड़ों की तरफ रवाना हो चुकी हों। हालांकि उसकी तवक्को कम ही थी क्योंकि भारतीय फौजी रात की तारीकी में पहाड़ों की तरफ जाने से हमेशा गुरेज करते थे। अलबत्ता इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि हेलीकॉप्टरों के जरिए हमारी तलाश शुरू कर दी जाए। जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के पास ऐसे रूसी गनशिप हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे जिनमें लगे हुए आलात से रात की तारीकी में भी देखा जा सकता था। ये हेलीकॉप्टर बुलंदी पर परवाज करते हुए हमें तलाश कर सकते थे, इसलिए हम जल्द अज जल्द किसी महफूज जगह पर पहुंच जाना चाहते थे।